रणवीर, लिसन, जस्ट कॉल द डॉक्टर प्लीज। रिया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे चक्कर आ रहे हैं, उल्टियां हो रही है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं उसके, प्लीज जस्ट बुलाओ ना डॉक्टर को, बुलाओ। करता हूं। नहीं, डॉक्टर को मत फोन करिए। रिया प्रेग्नेंट है, उसके लिए बाहर की दवाइयां सही नहीं है, उसके लिए घर का कोई इलाज ही सही है। तुम्हें कैसे पता? तुम बस पता है, मुझे पता है उसके लिए क्या सही है, क्या खिलाना चाहिए उसे। मैं किचन में जाके बनाकर लाती हूँ, उसके रूम में ही लेकर आती हूँ। I'll be back. Then we just call the doctor. I'm telling you, सच में तबीयत ठीक नहीं है उसकी। प्राची गई है, वो कुछ I'm sure बना के लेके आएगी, आप एक मौका तो दो उसको। मेरा फोन कहाँ है? इस घर में सब डॉक्टर कंपाउंडर बने फिर रहे। या ध्यान से, कितनी बार कहा है तुमसे अपना ख्याल रखो, ज्यादा सोचने की कुछ जरूरत नहीं है तुम्हें। सब कुछ ठीक होगा और तुम्हारे बच्चे को वही मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। अब तुम प्लीज कुछ सोचो मत और यहाँ पर लेटो, हेयर अपने ऊपर करो और आराम से बैठो। रिया ये लो, थोड़ा नींबू पानी पियो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे नहीं पीना। देखो ये पियोगी ना तो जो वॉमिट जैसा फील हो रहा है वो नहीं होगा, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, प्लीज पी लो। आराम से, तुमने कुछ खाया नहीं होगा, खाली पेट होंगी इसीलिए वीक फील हो रहा है। मुझे खाने का मन नहीं है। आई नो, इसलिए सूप बना कर लाई हूँ। हेल्दी सूप है, अच्छी अच्छी चीजें हैं इसमें और टेस्टी भी है। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए तो पियोगी ना। क्यों हो तुम इतनी अच्छी? खुद प्रेग्नेंट हो गई, तुम रिया का ख्याल रख रही हो, जिस इंसान की वजह से तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है उसका। पल्लवी की डॉक्टर से बात हुई, कहा सब ठीक है, दवाई की जरूरत नहीं है। बूजी पिला देगी, अब तुम जाओ, बूजी विल टेक केयर ऑफ मी। डोंट वरी, कोई मुझे ऐसे क्यों नहीं पूछता, कोई मेरे बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखता? आई एम सॉरी मेरे बच्चे, मेरी वजह से आज कोई नहीं जानता तुम्हें कि तुम रणबीर की पहली संतान हो। तुम्हें अपनी प्रेगनेंसी के बारे में सबको बता देना चाहिए था, एक बार पता होता तो तुमसे कोई ऐसी बात नहीं करता।